सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेथी और आलू का बहुत ही लाजवाब टेस्टी साग की रेसिपी, उसे सब्जी भी कह सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में आसान है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने मेथी को जस्ट अभी कट किया है, धोकर हमने पहले ही रख लिया था। इसको बनाने से पहले, 2 मिनट पहले हमने कट किया है। और यहाँ पर 2 आलू बड़े साइज़ के कट किया है। और यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्च को हमने अच्छे से खलबट्टे पर दरदरा कूट लिया है। इधर देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें मैं सरसों के तेल डाल दी हूँ 1 बड़े चम्मच। अब इसमें हम जो दरदरा कूट के रखे हैं खलबट्टे पर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों, आलू मेथी की सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइए। और अब मैं इसी में आलू को डालकर इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। इस तरीके से बनाने से बहुत टेस्टी बनता है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच से भी आधा। अगर आपको नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। और ये ज़्यादातर चावल के साथ ही अच्छा लगता है, और इसे आप रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से हो गया है। अब हम मेथी को डाल देंगे। तो दोस्तों, बनाने से पहले मैं 2 मिनट पहले ही मेथी को कट की हूँ। तो इसे पहले से कट करके रखने से ये कड़वा लगने लगता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मेथी को जब भी बनाएं तो उससे 1 या 2 मिनट पहले ही कट करें, क्योंकि कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, सारे मेथी को डालकर हम अच्छे से मिलाकर इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। और मेथी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर शामिल करें अपने खाने में। इसे हम ढककर अच्छे से पका लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसे हम चला लेते हैं। तो इस टाइम हम आंच को स्लो किए हैं ताकि नीचे से जले ना। अभी हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। दोस्तों, अगर आप साग बना रहे हैं, कोई भी साग, तो नमक आप पहले ही ना ऐड करें, क्योंकि वो पहले देखने में ज़्यादा रहता है और बाद में वो बनने के बाद कम हो जाता है। तो आप लास्ट में ही नमक डालें, या फिर पहले अगर आप नमक डालते हैं तो आप कम ही डालें। अगर आपको बाद में कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा है और आलू भी पक गया है। तो इसे थोड़े से हम 2 से 3 मिनट ऐसे बिना ढके इसको चलाते हुए इसका पानी को सुखा लेते हैं। तो देखिए, पानी अच्छे से सूख गया है। तो बहुत ही टेस्टी साग बना है। तो चलिए, हम अब गैस को बंद कर देंगे। हमारे आलू मेथी की साग बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, आज की आलू मेथी की साग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी तरीके से नए नए और सिंपल सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।